नमस्कार। हरियाणा 1008 है, देखने वाले सारे बण भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। भाई, एक मामला है जो काफी वायरल है लगभग हर सोशल मीडिया चैनल पे, जो रुड़की गांव का प्रदीप हत्याकांड, जिसमें अभी तक हमारे पास जो है बयान आए थे प्रदीप के माताजी के और उनके पिताजी के, जिन्होंने अपनी तरफ से जो बयानबाजी की है, जो पूरा जो आरोप जो लगाया है वो प्रदीप की पत्नी के ऊपर उन्होंने लगाया कि प्रदीप की पत्नी ने ही प्रदीप को जो है गोली मारी गई है रात को 12 बजे के आसपास। जो है जो पूरा मामला आपने देखा है, प्रवीण की जो एक बेटी है छोटे वाली, उसने भी कहा है कि जो दादा दादी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, प्रदीप की जो हत्या की है वो प्रदीप की पत्नी ने ही की है, ये छोटी बेटी है जो इनकी, उन्होंने ही बताया है। आज हमारे साथ है जो प्रदीप की पत्नी है मोनिका, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो जितने भी सोशल मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आज लास्ट जो है परमिशन इनसे ली गई है सोशल मीडिया पे आने के लिए, इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जो है इनसे हमने परमिशन ली है। और जो भाई भी आना चाहते हैं उनसे मैं पहले ही बताऊंगा, भाई अपनी जानकारी जो है वो पक्की करके आए, ताकि कोई भाई आवे और वो चक्कर काटे बाद में ये कहे कि भाई हमें नहीं पता था। तो बाकी हम एक बार तो पहले ही बहन जी से यही जो है हम पूछ लेते हैं। बहन जी, एक बार जो बाकी सोशल मीडिया वाले जो और आपके पास आना चाहते हैं, एक बार तो उसी बारे में आप बता दूं। जी, मैं मीडिया वाले से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट देनी थी वो दे दी। मैं आगे कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहती सर। जी प्लीज़, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास कोई आकर बार बार एक ही स्टेटमेंट बार बार ना पूछे। जी जी तो अब जो है आपके जो सास ससुर ने जो बताया है, सारी वीडियो लगभग आपने देखी होंगी हाँ जी जी, आपका क्या कहना है? जो उन्होंने कहा है वो तो आपने भी सुना है, और जो पब्लिक जो देख रही है उन्होंने भी सुना है, सबके सामने जो भी बातें उन्होंने रखी हैं, उन सब के जवाब में आपका क्या कहना है? सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि वह अपने बेटे के बचाव में हर तरह का इंजाम, हर तरह का झूठ मेरे पे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी बेटी को भी सिर्फ अपने बेटे के बचाव के ऊपर मेरी बेटी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका भविष्य भी खराब किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, अगर मीडिया से भी जनता से मैं यही ख्वाहिश करूंगी कि मेरी बेटी दिला दे मेरे को जल्दी से जल्दी, जितना हो सके सर, क्योंकि मेरी बेटी का बाहर आने के बाद भविष्य पूरी तरह खराब हो रहा है। ना उसका स्कूल में भेजा जा रहा है, ना टाइम पर उसे खाना दिया जा रहा है, हर हर 5-10 मिनट में उसको दुकान पे भेजा जा रहा है सिर्फ, बस ना खाने के लिए कुछ है, ऊपर से ना उसको स्कूल में है। अगर किसी को तसल्ली करनी है तो स्कूल में जाके पूछ सकते हैं, उसका स्कूल 1.5-2 महीने से बंद किया हुआ है सर, सिर्फ इन्हीं के बचाव के कारण, कि भाई जो इसके बेटे अभी इंजाम लगे हुए हैं प्रवीण पे, वो मेरी बेटी के द्वारा हटवाने की कोशिश कर रहे हो, भी झूठा फ्रेम लगवा के उसकी माँ के ऊपर सर। अच्छा, जो आपके भाई का भी जो मर्डर हुआ है वो किसने किया है आपके मुताबिक? वो मेरे देवर ने किया सर, उन्होंने खुद कबूला है कि मतलब मेरा भाई रोहित है, जो उसका मर्डर मैंने किया है। तो जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं प्रदीप की हत्या के, तो आपके आपका क्या कहना है? जो आप स्पष्ट रूप से आप मना कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस तरह से वो बता रहे हैं, जो भी है काफी वायरल जो है आपकी वीडियो भी हुई है, तो आपका क्या कहना है? क्या आप प्रदीप की हत्या फिर कैसे हुई है? सर 12 बुरा के करीब का टाइम था, मेरे को कुछ आवाज सुनाई दी थी, छोटी बेटी मेरी गुड़िया मेरे पास सो रही थी, तभी मेरे को कुछ आवाज सुनाई दी, मैं बाहर आई सर, मैंने मैंने देखा, मैं प्रदीप को देख के घबरा गई सर। उसी टाइम मैंने तुरंत अपने ससुर को बुलाया था उधर से, मेरे ससुर ने आके देखा कि वो बोला बेटा इसको तो गोली लग रही है, मेरे ससुर ने ही मेरे को बताया था सर। तो वो बोला बेटा कॉल कर दे भाई, आस पड़ोस में जो भी है इसके दोस्त है, हम इनको ले जाएंगे। तो उनके पास कॉल की गई, तब तो मेरे पति को वहां से लेके, मैंने बोला अपने पापा को, पापा मैं साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया, भाई जो कुछ होगा हम यही बता देंगे, वो मेरे को साथ भी नहीं लेके गए सर। और मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की अपने परिवार से कि मेरे को अपने पति की बार बार वही करनी, भाई के साथ उस रात हुआ तो हुआ क्या, लेकिन उन्होंने यही बात मेरे को बोली कि हम तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे, तेरे पैरों को काट देंगे। अरे बोले भाई बार बार यही बोल रहा था, मेरे देवर ने मेरे को ये धमकी भी दी कि तेरे को गोली मार दूंगा अगर कुछ ऐसा किया तो। वो बोल रहे थे कि मैं और मेरे पापा मिलके ये करेंगे, तेरे को हर बात बता दी जाएगी। उन्होंने एक बार बार यही बार
बात बोल रही थी कि एक रिपोर्ट आनी रह रही है, रिपोर्ट आनी रह रही है। मैं बार बार उनसे ये पूछती, मम्मी ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसको 6 महीने लग गए, साल हो गया और रिपोर्ट नहीं आई अब तक। लेकिन उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया सर। मेरे छोटे छोटे सवाल रहेंगे, हाँ या ना में ही आप जवाब देना, हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि भाई देखो काफी जो है परेशानी इनको भी हो रही है, बार बार सभी सोशल मीडिया वाले हैं जो हमारे साथी हैं सभी इनके पास बार बार आने लग रहे हैं। और परेशानी जब इस तरह का मुसीबतों का पहाड़, चाहे वो किसी के ऊपर भी, उधर से भाई बेटा तो उनका भी गया है, माँ बाप है जो अपना बेटा खो देते हैं, मुसीबत उनके ऊपर भी जो इतनी पड़ी है, और इनका जो है पति गया है, चाहे वो कैसे भी हुआ है, इनके भी जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए हैं, तो मुसीबत यहाँ भी उतनी है। इन्होंने साथ में अपना भाई भी जो इन्होंने खोया है, हर तरह से देखें तो मुसीबतों का जो पहाड़ है, परिवार जो बर्बाद हुए हैं वो दोनों तरफ से बर्बाद हुए हैं। बाकी अभी जो है इनके जो भाई का जो मर्डर हुआ है उसमें तो इनका कहना है कि उसका खुलासा हो चुका है, जो प्रदीप का जो भाई है प्रवीण है जो फौजी है उसने कबूल कर लिया है, ये इन्होंने खुद बताया है, आपने सुना भी है। लेकिन प्रदीप हत्याकांड की जो गुत्थी है वो अभी उड़जी हुई है, और इसीलिए जो है दोनों परिवारों की जो है परेशानियां बढ़ रही है। मेरे छोटे छोटे सवाल रहेंगे बहन जी, आपके ससुर ने यह कहा था कि प्रदीप के आने से पहले आप दरवाजे में बैठे थे, और जो आपका घर का जो मेन गेट है, जो लोहे वाला गेट है, वो एक पल्ला उसका खुला हुआ था, एक बंद था, क्या वो ये बात सच बोल रहे हैं? आप जब वो आए तो आप वो जब उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो सर्दी में, तो आपने उनको कहा, उनके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, तो आपने उनको कहा कि मैं प्रदीप का वेट कर रही हूँ, क्या ये सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और बताना चाहती सर, अगर मेरी सास बोल रही कि 1.5 साल से हमसे बातें नहीं करती थी, तो उसी घर में मेरे ससुर भी रहते थे। अगर मैं सास से नहीं बोलती तो मेरे ससुर से मैं किस तरह बात कर लेती सर, ये बताओ आपको। तो ऐसा कुछ नहीं सर, मैं अंदर ही सो रही थी, ना मेरे ससुर ने ऐसे कुछ सवाल पूछे। और इतनी रात को अगर मैं कॉल करूंगी तो सर अंदर बैठ के ही करूंगी, मैं बाहर थोड़ी ना करूंगी सर। अच्छा मोनिका, जिस टाइम पर जो प्रदीप का पता चला आपने, भाई प्रदीप वहां पर गिरा हुआ गेट के पास में, तो आपके ससुर कह रहे हैं भी आप उसके पास गई कि पापा एक बार आना, वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो मोनिका ना गई, पापा एक बार आना, प्रदीप ने गोली मार ली, और फिर कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वहां आने के बाद बयान बदल दिया, आप क्या क्या करके बुला के लेके आए थे आपके ससुर को? मैंने इतना ही बोला था, मैं पिताजी पता नहीं प्रदीप को क्या हो गया, आप एक बार आना बस। वो भी बाहर से आवाज लगाई थी, मैंने अंदर गई थी, मैंने अंदर नहीं गई थी, मैं इधर से बाहर से आवाज लगा के इधर आ गई थी अपने पति के पास। आपने अपनी तरफ से गोली का जिक्र किया था या नहीं किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया था, मेरे पिताजी ने आके मेरे को बता था भाई इसको गोली लगी, उस टाइम में घबरा गई थी। वो बोल रहे हैं कि जब वो आपके जो ससुर वहां पे आए तो प्रदीप को पानी भी पिलाया गया था, तो क्या ये सच है? ये सच है सर, लेकिन वो पानी मेरे ससुर ने मेरे को लाके दिया था, उसके आने के बाद ही पिलाया था, इससे पहले कुछ नहीं था सर। पहले नहीं पिलाया था? नहीं सर, ऐसा कुछ वगैरह का भी कुछ मैटर आया? वो भी मेरे ससुर ने मेरे को दिया था, क्योंकि मैं उस पे मेरे पिताजी को उधर से बुला के लेके आई थी, इतने अंदर से निकल के आई, इतने में प्रदीप को अपने उसमें ले रही थी सर गोड में, तो मेरे पिताजी ने बोला भी तू ये हटा ले, इसको तकिया लगा दे, तू कॉल कर एक बार, क्योंकि इसको लेके जाना है इसीलिए सर। अच्छा प्रदीप जब आया है तो उसने आवाज लगाई थी या नहीं लगाई? नहीं सर, ऐसा उसने कोई नहीं, आवाज नहीं लगाई, मतलब सीधा आपको आपको आवाज सुनाई दी? हाँ, मेरे को गेट पे ही मिले थे सर, मेरे को कुछ गिरने की आवाज आई तभी मैं बाहर आई। जो जो गन थी वो कहाँ पे थी? नाली में पड़ी थी सर, उसके साइड में, साथ में। घर के बाहर या अंदर? अंदर थी सर, अंदर पड़ी थी जी। तो जो जो उनकी जो गन थी, क्या वो अपने साथ में लेकर गए हुए थे या फिर कहाँ पे थी? नहीं सर, वो हमेशा ही साथ में रखते थे, उस दिन की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सरकारी रॉयलर थी, वो कभी नहीं छोड़ते थे सर घर पे। जो बेटी है, जैसे आपकी जो छोटी बेटी है, वो कह रही है कि भाई जैसे पापा आए घर पे तो भी मेरी मम्मी यहाँ अलमारी में से उसने गन निकाल ली, वो यहाँ टांग करके गई, फिर पापा से बातचीत कर रहे थे, फिर छाती पे हाथ रखा, गोली मार दी। बिटिया का जो बयान है, जो लगातार आपके सास ससुर है, बिटिया को भी मीडिया के सामने लेकर के आने लग रहे हैं, और जो बयान जो बिटिया देने लग रही है कि भाई मेरी माँ ने इस प्रकार से गोली मारी, और मुझे भी कहा यदि आपने किसी को कहा तो मैं आपको भी मार दूंगी। सर पहली बात तो गुड़िया उठी नहीं थी, अंदर ही सो रही थी। रही बात दूसरी, अगर गुड़िया मेरे को देख लेगी कि मम्मी गन साइड में लगा रही, तो जरूर अपने फादर को जाके बोलेगी कि मम्मी पापा मम्मी गन ले रखी है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है भाई नहीं बताएगा। रही बात दूसरी, क्या गुड़िया सोफे बैठ के ये देख रही थी भाई मेरे को मम्मी पापा का खेल देखना है भाई? अगर उसके पापा ने उसको बोल दिया था बेटा अंदर जाके सो जा, तो अंदर ही जाके सोती। रही बात ये, मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूंगी, अगर मैं अपने पति के यहाँ पे बोल रही मेरी गुड़िया हाथ लगाऊंगी तो एक बार वो मेरी तरफ जरूर देखेंगी, अगर मैं गन निकालूंगी तो ये थोड़ी ना मरने के लिए सामने खड़े होंगी, वो मेरे को रोकने की भी तो कोशिश करेंगी ना, चिल्लाएंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कुछ तो होगा सर।
क्या प्रदीप ड्रिंक वगैरह करते थे? हाँ सर कर लेते थे। तो उस दिन कर रखी थी? हाँ सर वो इसमें आई है रिपोर्ट में कर रखी थी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गोली जोन को लगी है उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी। हमने आपके सास ससुर से भी सवाल किया था, उन्होंने उनका ये कहना कि हमारे पास कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि गोली जो है वो किस एंगल से लगी है, क्या उसमें रिपोर्ट में लिखा गया। तो आपको पता है क्या मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या कुछ कहना है डॉक्टर की टीम का? सर देखो रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन रिपोर्ट आई हुई है सर। इन्होंने मेरे को रिपोर्ट भी बहुत छुपाने की कोशिश की है और ये बोल रहे बार बार पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करी, पुलिस ने अपनी हर तरह से तस्दीक की है। उनके कहने के बावजूद मेरे को बुलाया भी गया है, मेरे को सीआई में भी ले जाया गया सर। मतलब उनने जो जो कार्रवाई करवानी थी हर तरह की पुलिस ने कार्रवाई की है सर। पुलिस वालों की एमटी थाने वालों की कोई गलती नहीं है सर। 4-5 महीने के बाद एक कपड़ा मिला है आपके घर से वहां से जिसमें बल्ड लगा हुआ था, क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है? वो बल्ड किसका था? सर देखो इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता है लेकिन भाई उन्होंने अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस भी इतनी होनी है सर। अगर उसको मैं कुछ ब्लड वगैरह लगा होता भी तो पुलिस अपना काम करके मेरे कैसे थोड़ी ना छोड़ती सर गुनाहगार को। प्रदीप की मौत के बाद लगातार 5 महीने आप उस घर में रहे हो, क्या कभी आपके सास ससुर ने पहले आपके ऊपर सवाल उठाए इस तरह के? नहीं सर मेरे से कोई सवाल नहीं किया इस तरह का। कोई शक किसी तरह का? नहीं सर मेरे ऊपर कोई शक नहीं किया सर। क्या आपको कभी ये लगा कि परिवार का कोई सदस्य आपके ऊपर शक कर रहा है? नहीं सर। अच्छा आपके पति की जब बहन जी हत्या हो जाती है तो उसको लेकर के 5 महीने तक भी जैसे आपने कोई प्रयास किया हो एसपी साहब से मुलाकात करने का या गृह मंत्री अनिल विज से या कहीं और कोई शिकायत आपने दी हो भाई मेरे पति को अभी तक न्याय नहीं मिला? क्योंकि देखो जब किसी का पति कि यदि इस प्रकार से कोई हत्या हो जाए है तो वो चैन से नहीं बैठेगी कोई भी हो, चाहे वो उसके माता पिता हो चाहे पत्नी हो, और कैसे मतलब ये गुत्थी नहीं सुलझे भाई कि भाई आपने कोई प्रयास किया भाई मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए? सर मैंने हर बार बोला मेरे मतलब ससुर जी को भी और अपने देवर को भी, मेरे को एसपी का जाना इस पर जाना हुआ है ना, बोले मेरे को कि भाई तू घर की बहू है अंदर ही रहे, हम तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे, तेने बाहर जाने की कोशिश की तरफ पैरों को काट दिया जाएगा। मेरे देवर ने मेरे को ये धमकी दी तक कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा। लेकिन उनका ये कहना कि जब भी हमें कहीं पे भी कार्रवाई के लिए जाने के लिए मोनिका को बोलते थे तो वो मतलब किसी भी तरह का जो है एक ड्रामा जो है वो कर लेती थी कि मेरे सर दर्द है या ऐसे है, इस तरह का कुछ होता था? नहीं सर मैं पहले मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी सर, मेरे को पता नहीं था कुछ, समझते सर मेरे पति के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, उसमें पत्नी ऐसे थोड़ी ना रहोगी सर। एक दूसरी बात रही वो सास बार बार बोल रही भाई हमको जाने नहीं दिया जाने नहीं दिया। अगर उनको मीडिया और ये सब हर एक चीज के तरीके अब अपना रहे सर, मैं ये पूछना चाहूंगी 5 महीने पहले वह सास कहाँ बैठी थी सर ये बताओ, कहाँ वो बच्ची थी, कहाँ वो बलियान था, कहाँ मेरी सास थी? सोशल मीडिया को भी तो बुला रही सर वो सिर्फ क्यों, क्योंकि उसको अभी अपना छोटा बेटा बचाने के लिए वो बार बार मेरी छोटी गुड़िया से भी झूठे बयान दवा रही है और खुद भी झूठे बयान दे रहे हैं सर। प्रदीप की मौत के बाद आप 5 महीने वहां पे रहे हो, किसी तरह का कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था, एक पुलिस अपने तरीके से जो है केस की जो है कार्रवाई जो करने लग रही थी, एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी जिसका जो है गिरफ्तारी अभी तक जो उसकी नहीं हुई है। तो 5 महीने आप वहां पर रहे हो, फिर अचानक आप जो है उस परिवार से नाता कैसे टूटा, अचानक जो है मायके में शिफ्ट होना या फिर कैसे जो है वो जो फेरबदल हुआ वो मैं जानना चाहूंगा। सर मैं कोई मायके में खुद नहीं आई थी, मेरी सास ने भेजी थी भाई बच्चों को लेके, मतलब 20-25 दिन अपने मायके में रुका, मैं उनसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाती थी सर, मैं तो वैसे रुकने के लिए आई थी। इस बीच मेरे देवर ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया, खुद बताओ सर जिसकी वजह से और जिसके भाई का मर्डर हुआ है मैं उस ससुराल में कैसे चली जाऊँ ये बताओ सर। मोनिका आपका देखो ये पर्सनल मैटर जो चल रहा है भाई, आपका सास ससुराल का है, आपके पियर का है, क्योंकि आपके देवर ने आपके भाई की हत्या कर दी, वो बार बार आपके जो जीजा जी हैं अशोक जी उनका नाम क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इस पूरे केस में भाई, उनकी वजह से भी हमारा घर बर्बाद हो गया। सिर्फ वजह बताओ, ज्यादा जो है उस मैटर पे हम बात नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ वजह बताओ क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? वजह वही है सर, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, उन्होंने हर तरीके अपनाए अपने बेटों को बचाने के लिए लेकिन उनका कोई तरीका भी सफल नहीं हुआ सर। उन्होंने ये सोचा कि जीजा साली का रिश्ता सबसे खराब होता है, इसको मीडिया के सामने बेइज्जत कर दे, इस कहानी अपने भाई के केस को उठा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मैं चाहती हूँ उनको कोई डाउट है तो अपना डाउट हर तरह से क्लियर करे, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे उस पर जो दाग
लगा है वो क्लियर हो। और मैं बार बार यही चाहूंगी सर अभी अगर मेरे आदमी को इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। अब मेरे मैं बार बार यही कहना चाहूंगी हर मीडिया वाले सर चीज से कि अगर किसी ने कुछ खोलना है तो मेरे आदमी की तस्दीक करो पूरी तरह, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये मेरा जो जीजा साड़ी का रिश्ता बदनाम किया जा रहा है इसको भी मैं नहीं चाहूंगी, मीडिया के सामने खोला जाए हर प्रूफ कि मेरे सास ससुर कुल के कोई ऐसा ठोस सबूत दे कि मेरे पे ये जो अंजाम लग रहा है चाहे तो हटे या ना जो उनकी बात झूठ बोल ले रहे भाई वो प्रूफ हो सर। अच्छा एक उनका एक और कहना है कि आपके ऊपर एक और आरोप जो उन्होंने लगाया है कि आप 5 महीने तक जो आप वहां पे रहे हो, तो हमने ये उनसे ही पूछा था कि 5 महीने जो यहाँ पे रहे फिर अचानक कैसे की, तो उनका कहना कि वो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि जो प्रवीण का जो पैसा आना था उस पैसे का वो इंतजार कर रही थी और वो पैसा आने के बाद जो है उसने हमारे से जो अपनी नजरें जो है पलट ली। क्या कहना है इस जवाब में? 25 लाख रुपए थे मेरे घर आने के बाद आए सर, ऐसा कुछ नहीं है ये सर, हम झूठ बोल रहे हैं ना मेरे को पैसे से कोई हो है। बस सिर्फ बार बार वह पैसा आने के बाद वही मेरे को ये बोल रहे थे भाई इस पैसे को यूज मत करना, इस पैसे को कहीं छेड़ना मत। और उन्होंने पैसे के ऊपर कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकती है, प्रूफ है सर हमारे पास। एक सवाल और रहेगा हमारा कि जो आपके 3 बच्चे हैं, 2 आपकी बेटी हैं, 1 बेटा है, तो जब आप शुरू में यहाँ पे आए तो 3 बच्चों को साथ लेके आए थे या फिर 1 को लेके आए थे या 2 को लेके आए थे? सर मैं अपने छोटे मतलब बेटे बेटे के साथ आई थी, मैं कोई ना लड़ाई झगड़े में आई थी सर, ना मेरा कोई ऐसा होता सर, मैं तो वैसे 20-25 दिन रुकने के लिए आई थी। दोनों को जाना था आपको? हाँ जी मेरे को जाना था, ये तो मेरे भाई का मर्डर हो गया सर 14 को, मैं तो 16 कही जा रही थी लेकिन मेरी सास ने बोला था कि 23-24 तारीख को आ जाना, फिर भी मैं उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण मैं उससे पहले ही जा रही थी सर, लेकिन इसी बीच मेरे देवर ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया तो मैं नहीं गई सर। तो एक मिनट अजय जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे, जो आपका बेटा तो जो आपके पास था, 2 बेटियां आपकी वहां पे थी, फिर जो आप जाना भी चाहते थे लेकिन उसके बीच में जो है ये सब जो है कहानी जो है बन जाती है, उसके बाद 1 बेटी ही आपके पास क्यों आई, दूसरी बेटी आपके पास क्यों नहीं आई? सर मैं अपनी छोटी बेटी को 2 बार लेने जा चुकी हूँ, आप तसल्ली कर सकते हैं एमटी थाने में, लेकिन ये मेरी गुड़िया को मेरे सामने ली नहीं लेकर आए। इन्होंने दोनों बरी आ गई, दोनों बरे झूठ बोले कि गुड़िया बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, गुड़िया को हम बाहर लेके गए हूँ। ये आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हो सर रोहतक एमटी थाने में। जी जी अजय जी जी, तो बहन जी जिस टाइम पर आपके भाई की हत्या हुई और कह रहे हैं कि भाई आपने आपके देवर के ऊपर उसी टाइम पर शक हो गया था, रात को हत्या हुई थी आपके भाई की, तो आप आपके परिवार में या फिर आपने किसने शक हुआ भाई, या पुलिस जो गुत्थी है आपके भाई की हत्या की वो पुलिस प्रशासन ने ही सुलझा दी थी फिर आपने ही पहले आरोपी बना दिया था कि भैया मेरे देवर ने हत्या की है? पुलिस प्रशासन ने खोल ली थी सर, जैसे सीसीटीवी कैमरे देख के गाड़ी वगैरह देख के कुछ सर, उससे पहले संशय था आपने आपके देवर पे? उससे पहले ये था सर हमारे जो पड़ोस में उन्होंने देखा था सुबह में, मैंने जैसे हम उठाने के लिए गए अपने भैया को तो मैंने देखा भी मेरे भैया की हालत हुई हुई है, तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी रोने लगी, तो वो बोले भाई क्या हुआ, वो पड़ोसी बोले फिर देखते ही हमने देखे थे भैया, हमने सोचे चोर है, उन्होंने मेरे को हुड़िया बताया, मैंने फोटो दिखाया तभी उन्होंने बोले हाँ यही था, तब मेरे को शक हुआ था सर, इसी बेस पे बयान दिए हुए हैं सर। जी तो बहन जी अभी क्या प्रक्रिया है, क्या चाहते हैं आप हरियाणा सरकार से, शासन से, प्रशासन से, किस प्रकार की आप न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? सर पहली बात तो मैं चाहूंगी मेरे पति को इंसाफ मिले, फिर मेरे भाई को इंसाफ मिले, रही बात मेरी गुड़िया वहां पे टॉर्चर की जा रही है, उसका भविष्य खराब किया जा रहा है, अगर मीडिया को कुछ हेल्प ही करनी है तो सर मैं चाहूंगी कि मेरे पति को इंसाफ दिलाए, भाई को और मेरी गुड़िया को मेरे पास लेकर आए, बस सर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा एक सवाल और है यहाँ पे, एक बात और आई थी हमारे सामने कि दोनों बेटियां जब आपकी वहां पे थी तो आप जो है उन बेटियों को उठाने के लिए गए हो आप लोग, जिसमें आपने जो है उनका कहना है कि सिर्फ छोटी बेटी को ही वो ढूंढ रहे थे क्योंकि वो मौके पे वहां पे मौजूद थी उस दिन, स्कूल में भी जो है वगैरह जो आप गए हो कि छोटी बेटी को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो उनका कहना है कि इसलिए ढूंढ रहे थे कि छोटी बेटी जो है वो इस मौके की जो वो गवाह थी, तो वो क्या कहना इस बारे में? सर ऐसा कुछ नहीं है, तब मैं गई हुई थी, आप स्कूल में जाके स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, बड़ी गुड़िया उन्होंने बुआ के घर भेजी हुई थी, और मैं तो कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है उसके वहां
गई थी सर में, क्योंकि मैं बुलाई गई थी कोर्ट में, तब आते वक्त स्कूल का टाइम हुआ, मैंने बस देखी, मैंने सोचा कि भाई मैं एक माँ हूँ, जो माँ अपनी बच्ची ये 3-3.5 महीने तक दूर रहेगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बुढ़िया को ला नहीं सकती, तो कम से कम मिल तो सकती हूँ। मेरा सिर्फ इरादा ना उठाने का था ना और कुछ, मैं सिर्फ मिलने के लिए गई थी, अपनी बेटी को देखने के लिए गई थी सर, और मेरे भाई थे साथ में, ना कोई गुंडा था ना कोई और बाहर का था सर। तो बड़ी बेटी को फिर कैसे लेके आए आप? बड़ी गुड़िया को मैं CWC के उससे पुलिस प्रशासन के उससे लेके आई सर, ना मैं उठा के लेके आई ना वहाँ कोई, मैं लड़ाई झगड़ा करके लेके आई। कहाँ से लेके आए आप? गांव से, रुड़की से? नहीं सर, जींद परोड़ी अपनी बुआ के पास थी सर। वहाँ पे क्यों थी वो? इन्होंने छोड़ रखी थी सर, क्योंकि वो मेरे पास कॉल कर जा रही थी पीछे से, भाई मम्मी मेरे को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, और झूठ बोल के मेरे से ये बुलवा जा रहा है कि आप ये बयान दो पुलिस के सामने कि मेरी मम्मी ने ही मेरे पापा का मर्डर किया है। गुड़िया मना करने के बाद उसकी मार पिटाई भी की है दादी ने, तो वो बोली भाई ये गुड़िया बयान नहीं दे पाओगी और ऊपर से छोटी को और नहीं करने पाओगी, इस वजह से अपने बचाव के लिए उन्होंने मेरी बड़ी गुड़िया की पढ़ाई ना देखते हुए बर्बाद करते हुए उन्होंने बुआ के पास भेज दिया सर। आप स्कूल में पूछ के आ सकते हो सर, स्कूल के बीच में उन्होंने दोनों गुड़िया की पढ़ाई बर्बाद की हुई है सर, एक बुआ के पास थी जो छोटी गुड़िया उनके पास थी, उनको भी स्कूल नहीं भेजते थे सर। अच्छा, एक उनका एक और कहना है कि आपके जो भाई हैं जो रोहित थे जो, और एक आपके जो कजन ब्रदर है प्रवीण जिनका नाम सामने आ रहा है, उनका कहना है कि कुछ आपसी परिवार का कोई मैटर था, पैसे वैसों की जरूरत पड़गी थी, जो प्रवीण का वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रवीण ने जो है वो घर अलग कर लिया था, तो अचानक जो है आपके जो सगे भाई हैं उनको घर बनाने की जरूरत थी, तो पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो आपकी माँ ने आपके पास फोन किया, प्रदीप के पास फोन किया कि कुछ पैसों की जरूरत था, पैसे जो इनको दे दो, तो प्रदीप ने ये कहा कि मुझे भी अपना घर बनाना है, लेकिन आपकी माँ ने ये कहा कि पहले एक बार आप इनका घर बनवा दो, बाद में जो है हम जैसे तैसे भी करके कुछ जमीन वगैरह बता रहे थे उसको हम बेच के फिर जो है हम आप लोगों का जो है घर बनवा देंगे, लेकिन अभी ज्यादा जरूरत घर बनाने की पहले यहाँ पे है, तो उसके बाद प्रदीप ने उनको पैसे दे दिए, ये आपके सास ससुर का कहना है। लेकिन उसके बाद जब आपका हमने घर वहां पे देखा है रुड़की में, जो छत है वो बरसात में चूने लग रही है, अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, हम गए थे जिस टाइम पे वो चूने लग रही थी छत, पूरा जो है पानी पानी घर में हो रहा था, तो प्रदीप ने फिर आपको बोला कि आप पैसे लेके आओ अपने मायके से, अपने भाई से पैसे ले आओ, तो पैसे जो है वो बन नहीं पा रहे थे, इसीलिए जो है ये सब जो है किया गया है, तो इससे जो ये सो सवाल जो आरोप जो लगा रहे हैं इस बारे में क्या कहना आपका? सर पहली बात तो हर मीडिया के सामने मेरी सास अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है, पैसे के ऊपर भी, प्रदीप के ऊपर भी, और गुड़िया भी अलग अलग स्टेटमेंट दे रही, लेकिन मैं नहीं झूठ बोलूंगी सर, सच्चाई ये है ना, मेरे को प्रदीप ने कभी पैसा दिया ना, कोई ऐसी मम्मी की बात हुई प्रदीप से, ना मैं कभी अपने ससुराल से पैसे लेके आती थी, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है इस चीज का तो मीडिया के सामने ला सकते सर, मैं उनकी मतलब वो जैसे कहूंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा घर बना हुआ सर मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था कुछ 5 साल पहले, उन्हीं के पैसों से अभी 2 साल पहले ही मेरा घर बना हुआ सर, ठीक है, और सरेआम झूठ बोल रहे हैं और कुछ बात नहीं है सर। अच्छा, हमने जब इतनी सब बातें हुई तो हमने एक सवाल किया था कि प्रदीप की जब इतनी इनकम थी, वो स्पेशल सेल में था, वैसे भी जो है स्पेशल सेल वालों को जो है कई बार केसों के जो पैसे जो इनको मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी होती है, दिल्ली पुलिस में था वो, तो फिर पैसा जो है हमसे ये पूछ रहे थे कि क्या सारा पैसा ही उन्होंने जो है अपने जो है ससुराल में दे दिया, मोनिका के मायके में दे दिया, तो ये मतलब जो घर की जो हालत है देखने से ये लग रहा था कि ये नहीं था कि ये किसी जो है पुलिस ऑफिसर का घर है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जब आप उसका जवाब दे रहे हो कि पैसा यहाँ भी नहीं आ रहा था, तो फिर आप तो प्रदीप की पत्नी हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो पति की जो सैलरी है या पैसा है वो कहाँ जा रहा था, क्या उसके उसकी डेथ होने के बाद क्या उसका कोई जमा खाता कुछ ऐसा मिला कि उसने पैसा इकट्ठा कर रखा हो, कहीं जमा था उसका पैसा? नहीं सर। कोई प्रॉपर्टी बना रखी हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक पत्नी होने के नाते क्या कहना चाहोगे, आपके पति का जो पैसा था वो कहाँ पे है फिर? सर मैं इसके ऊपर ये थोड़ा पारिवारिक मामला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती सर। जी चलो जी जी अजय जी, और जी पूछना चाहते हो कुछ? प्रदीप की हत्या के बाद 4-5 महीने आप अपने ससुराल में रहे हो, तो आपके सास ससुर का, आपके देवर का, आपकी जो देवरानी है उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था, उनकी सक्की सुई आपकी तरफ घूम रही थी, उनका बोलने का तरीका, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा उस टाइम पर 4-5 महीनों के बीच? उस टाइम ठीक था सर, लेकिन अब अपने बेटे के बचाव में हर तरह की बदनामी वो मेरे ऊपर डाल रही है सर।
अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था तो 5 महीने में उसी बीच रही थी और उसी टाइम पे क्यों नहीं बोला सर मेरे को भाई ये बात मेरे को स्त्री लग रही है, ये बात स्त्री लग रही सर, क्योंकि उनका भी बेटा था सर, वह मेरे से सवाल जवाब कर सके थे, अगर वो उन्हें कुछ शक था तो बोल सके थे सर, वो उसी टाइम तो उसी टाइम वो कहाँ थे सर। कारण क्या मानते भाई आपके देवर ने आपके भाई की जो हत्या की है, क्या कारण है भाई, किस रंजिश के कारण इसने इतना बड़ा कदम उठाया? भाई देखो वो भी फौज में लगे हुए हैं और इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने भाई, हत्या ही कर दी, हत्या के आरोप में देखो जेल में भी है, क्या रंजिश थी फिर ऐसी भाई इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा आपके भाई को? कुल मिलाकर पैसों की है सर, क्योंकि पैसों की तो उन्होंने कोर्ट में भी लगा रखी, रही बात सर मैं खोलना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे देवर ने, देवर मेरे पर बुरी बहुत बुरी नजर डाली थी सर, ठीक है उसने, उन्होंने मेरे को ये बात बोली भी थी सर, ये प्रदीप की मेरे से, के मेरे से, हाँ मेरे से शादी कर ले, मैंने मना कर दिया सर, इसी रंजिश में उन्होंने मेरे भाई का हो गया सर। चलो भाई देखो कई तरह के जो मुद्दे हैं जो पारिवारिक है, देखो कोई बात है, कई बातें ऐसी होती है वो कैमरे के सामने नहीं आती, चलो फिर भी हमारा जो प्रयास था भाई जो दूसरा पक्ष है उसकी भी जो बातचीत है वो जरूर लेकर के आएंगे। आपका कोई सवाल? जी बिल्कुल है भाई, देखो काफी जो है सवाल हमने किए हैं और आपने सुना है किस तरह से जो है इन्होंने जवाब दिए हैं, इनके जो सास ससुर थे उन्होंने किस तरह से जो आरोप, अभी तो उस तरफ से हम आरोप ही कहेंगे लेकिन जो आरोप जो इनके ऊपर लगे हुए थे उन्हीं का जवाब जानने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पे पहुंची थी और जो है इन्होंने ऑन कैमरा जो है अपने जो बयान आपके सामने रखे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताना कि आपको इस पूरे मामले में क्या कुछ लग रहा है, कौन इसमें दोषी आपको लग रहा है, कौन इसमें निर्दोष है, ये आप जरूर बताना और जुड़े रहे हमारे साथ इस मामले में। कोई और अगर सामने कुछ गहराई से कोई बात सामने आती है तो वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, देखते रहे हरियाणा 1008, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद जय हरियाणा।